हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एससी के तरफ से स्टेनोग्राफर के पद पर न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फ्रेंड फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा, फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए और कौन कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फ्रेंड बिना देर किए चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर और समझते हैं। फॉर्म अप्लाई डेट की बात करें फ्रेंड, तो 17 तारीख 10वां महीना 2023 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, जो कि 6 तारीख 11वां महीना 2023 तक भरा जाएगा। और फ्रेंड आप लोग को मान लीजिए कि कुछ फॉर्म भरते वक्त कुछ गलत हो जाता है, कोई भी चीज़ गलत हो जाता है, नाम गलत हो जाए, एड्रेस गलत हो जाए या पिता का नाम गलत हो जाए, तो उसे आप लोग को सुधारने का भी टाइम दिया जाएगा। आप लोग सुधार भी सकते हैं उसको। तो सुधारने का डेट कब है फ्रेंड, तो 15 तारीख 11वां महीना 2023 को आप लोग को जो भी फॉर्म भरते वक्त गलत हुआ होगा उसे आप लोग सुधार सकते हैं। अप्लीकेशन फी की बात करें फ्रेंड, तो जनरल, OBC, EWS या SC ST कैंडिडेट हो या कोई PH कैंडिडेट हो, यानी सभी को कहने का मतलब फ्रेंड 25 रुपया लगेगा। सभी जितने भी कैटेगरी हैं, जनरल, OBC, EWS, SC ST या PH कैंडिडेट, सभी को 25 रुपया ही लगेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड यहाँ पर आयु सीमा के बारे में बताया गया है, तो आप लोग का जो उम्र काउंट किया जाएगा फ्रेंड वो 1 तारीख 7वां महीना 2023 से आप लोग का उम्र काउंट किया जाएगा। और कम से कम आप लोग का उम्र फ्रेंड 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक आप लोग 40 वर्ष के भी हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें फ्रेंड, तो 277 पद पर वैकेंसी आया हुआ है। और ऐसा नहीं फ्रेंड कि आप लोग सोच लीजिए कि ये तो 277 पद ही है, इसमें मेरा क्या होगा। तो आप लोग को फ्रेंड डरना नहीं है, आप लोग को एक सीट से मतलब रखना है। आप लोग यहाँ तो 277 सीट है, इसलिए आप लोग फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा। अगर वो आप लोग इसके लिए एबल हैं फॉर्म भरने के लिए, आप लोग के पास शैक्षणिक योग्यता है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड। शैक्षणिक योग्यता की बात करें फ्रेंड, तो UP SSSC पेट 2022 का आप लोग के पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, यानी आप लोग को एग्जाम दिए होने चाहिए। UP SSSC पेट 2022 का आप लोग के पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। और फ्रेंड आप लोग किसी भी बोर्ड से 12वां पास रहना चाहिए, कितने भी परसेंटेज से कोई मायने नहीं रहता। आप लोग को 12वां पास हैं और आप लोग UP SSSC पेट 2022 का आप लोग के पास स्कोर कार्ड है। और आप लोग को हिंदी टाइपिंग मांगा गया है फ्रेंड 25 वर्ड पर मिनट, और स्टेनो का जो स्पीड मांगा गया है फ्रेंड वो 80 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। और आप लोग के पास फ्रेंड CCC एग्जाम पास रहना चाहिए, और इसका फ्रेंड आप लोग के पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए। CCC एग्जाम का आप लोग के पास सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए और पास भी रहना चाहिए। और CCC के समकक्ष भी कोई डिग्री है फ्रेंड, आप लोग किए हुए हैं कंप्यूटर का डिग्री किए हुए हैं CCC के माने बराबर का कोई डिग्री, तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल बताया गया है। देखिए फ्रेंड जनरल के लिए 103 सीट है, EWS के लिए 20 सीट है, OBC के लिए 65 सीट है, SC के लिए 81 सीट है, ST के लिए 8 सीट है। और टोटल पोस्ट की बात करें फ्रेंड, 277 पद इस वैकेंसी में है। फ्रेंड आप लोग को इस वैकेंसी से कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग को मैं कमेंट के माध्यम से समझाने का कोशिश करूंगा कोई भी डाउट रहता है तो। फ्रेंड मुझे तो आशा है कि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन रहता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। मैं आप लोग को कमेंट के माध्यम से समझाने का कोशिश करूंगा। समझते तो हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग को जो डाउट रहेगा उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। मुझे तो लगता है कि फ्रेंड डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन रहता है तो कमेंट जरूर कीजिए। फ्रेंड वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय।